अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरे चाहने वाले चाह मेरे हमेशा बात रहे, अल्लाह ताला अपनी मदद करे, आमीन। तो आज का वाला स्टार्ट करते हैं। तो आज का वाला का ये टॉपिक है कि मैं ले क्या हूँ सॉफ्ट टच वालों की जो है ना ब्लीच क्रीम का करेंगे रिव्यू। स्किन को बनाए वाइट एंड ग्लो सॉफ्ट टच वालों की ब्लीच क्रीम का रिव्यू। तो रिव्यू दूँगा इससे सॉफ्ट टच वालों की ब्लीच क्रीम का। ये वाइट क्रीम ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है, शायद उल्टा नज़र आ रहा है वीडियो में। तो बहुत ही ज़बरदस्त है सॉफ्ट टच वालों की। तो पहले भी मैं एक जो है ना ब्लीच क्रीम का रिव्यू जो है ना दे चुका हूँ, लेकिन वो थी ब्लैसो की। लेकिन ब्लैसो भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको अगर वाइटनिंग बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप जो है ना सॉफ्ट टच वालों की जो है ना यूज़ करें। सॉफ्ट टच वालों का बहुत अच्छा ब्रांड है, इसमें आप लोगों को मिलेगा बड़ा जार। तो देखे मैंने जार है, इसमें जार है तो ये बिल्कुल रिमूव हो चुका है, तो मैं न्यू लेकर आऊँगा। तो अभी इसके बाद उन्होंने दिए हैं पाउडर, पाउडर उन्होंने दो दिए होते हैं इसमें, क्योंकि जार बड़ा है तो इसमें दो जो है ना होते हैं इसमें शीशे ये वाली। तो बहुत ही मतलब अच्छी ब्लीच क्रीम है। तो आप अगर जार भी लें तो इस तरह का बड़ा जार लें। तो पहले तो ये 350 का था, शायद आप महंगाई हो जाए 450 का हो गया। तो बहुत अच्छा है सॉफ्ट टच वालों का ब्रांड। तो मेरे पास जितना भी मतलब कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, मेकअप की चीज़ें हैं, ज़्यादा ब्रांडेड हैं सॉफ्ट टच वालों की हैं। तो यहाँ और एक ब्रांड है, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा, ब्रांडेड चीज़ें। तो ये बहुत अच्छी है, तो मैं पहले ये यूज़ कर चुका हूँ तो इसलिए आप लोगों को बताऊँगा। तो ये भी बहुत अच्छी है ब्लैसो भी, तो ब्लैसो भी आप जो है ना यूज़ करें। अगर आपको ज़्यादा वाइटनिंग चाहिए तो आप ये यूज़ करें। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पर जो है ना मतलब कोई किस्म की जलन हो रही है, ब्लीचिंग हो पा रही, तो फिर आप इसके साथ ब्लीच जब ऐड करेंगे उसमें वाइटनिंग का एक जो है ना कैप्सूल ऐड कर दें। उसके बाद इसमें ऐड करें ये पाउडर, इसमें से निकलता है एक ये कैप्सूल, इसमें ऐड कर दें। उसके बाद सॉफ्ट टच वालों का शाइनर ऐड करें और बूस्टर ऐड करें। ये चीज़ें अगर ऐड करके तो अच्छे से मिक्स करके लगाएंगे तो फिर जलन बिल्कुल नहीं होगी और स्किन भी अच्छे से जो है ना ब्लीच हो जाएगी। तो व्लॉग मैं जो है ना शॉर्ट ही बना रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना मैं ज़्यादा शॉर्ट बातें नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब लंबा व्लॉग होगा, ज़्यादा लंबाइयों के लिए ज़्यादा बातें करेंगे। तो ये सॉफ्ट टच वालों की ब्लीच क्रीम अगर किसी बहन भाई ने यूज़ किया तो मुझे कमेंट्स बताइएगा। तो लुक आज का आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग लगेगा, तो लुक कैसा लगा मुझे कमेंट्स बताइएगा। और बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, लाइक कमेंट्स करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।